वाणी माधव चाक्यार यहाँ कवि भास द्वारा लिखित स्वप्न वासव दत्ता का एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी पत्नी पद्मावती के बीमार होने की खबर सुनकर राजा उदयन उनके महल में विदूषक के साथ गए। जिस समय वे वहां पहुंचे रानी पद्मावती कहीं गई हुई थीं। विदूषक उन्हें रानी के बिस्तर पर आराम करने की सलाह देता है। राजा विदूषक से एक कहानी सुनाने को कहता है। विदूषक राजा को उज्जैन के वासव दत्ता की कहानी सुनाता है। राजा इस कहानी को सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और विदूषक से दूसरी कहानी सुनाने को कहता है। की परंपरा के अनुसार राजा कुलशेखर वर्मन ने दो संस्कृत नाटक सुभद्रा धनंजय और तप्ती संवर्ण लिखा था। केरल के संस्कृत मंच को सुधारने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। विद्वान ब्राह्मण तोलन ने उनके इस कार्य में सहयोग दिया था। चूंकि सब लोग संस्कृत नहीं समझ पाते थे, इसलिए नाटक के संस्कृत तथा प्राकृत प्रसंगों को समझाने के लिए विदूषक का प्रयोग किया जाता था, जो अपने वर्णन को हास्यमय रूप में प्रदर्शित करता था। मंदिर कला के रूप में संस्कृत नाटक केवल चाक्यार और नाम्बियार ही कर सकते। संस्कृत नाटक अभिनय कोडियाट्टम എന്ന് പറയുന്നത്। संस्कृत नाटकों का अभिनय ही कोडियाट्टम कहलाता है। इसके प्रदर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग बहुत अनुशासन के साथ होता है। कोडियाट्टम और प्रबंधन को मिलाकर कुथु बनता है। കൂടിയാട്ടം എന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിയാട്ടത്തിനെയും ഉൾപ്പെടെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃത നാടകാഭിനയത്തിലെ ആണ്.
जिस तरह संस्कृत नाटक का संबंध कोडियाट्टम से है, उसी तरह हास्य प्रसंग के अभिनय का पात्र विदूषक होता है, जिसके प्रदर्शन को कूथ कहते हैं। व्यत्यासम अत्र एलुपं विषय कोडियाट्टम और कथकली के अंतर को बताना जरा मुश्किल काम है। कथकली में हस्त मुद्राओं को प्रधानता दी जाती है। कोडियाट्टम में चेहरे द्वारा अभिनित भावों को विशेष महत्व दिया जाता है। मैं इन दोनों का अभिनय उदाहरण के साथ करके दिखाता हूँ। राजा की चाल का कथकली में इस तरह से अभिनय होता है। इसमें सारे शरीर का प्रयोग होता है। कोडियाट्टम में इसका प्रदर्शन कमर के ऊपरी भाग द्वारा होगा। മുദ്രകൾക്കും മറ്റും ആയിട്ട് പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട്. രസാഭിനയത്തിന് പ്രാമാണ്യാണ് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, രസാഭിനയത്തിന്റെ പ്രാമാണ്യാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുക. സങ്കേത ഓർ ഭാവ പ്രദർശന അന്തർ ഹൈ കൂടിയാട്ടം മേ ജഹാ ഭാവന കാ സോർ ഹൈ വഹി കഥകലി മേ അഭിനയ പൂരെ ശരീര മേ ഗതി ലാകർ കിയാ ജാതാ ഹൈ. കൂടിയാട്ടം മേ भावाभिव्यक्ति की प्रधानता होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई दूर चला जा रहा हो तो कोडियाट्टम में उसे इस तरह दर्शाया जाएगा। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हवा में उछाले जाने का प्रसंग बहुत लोकप्रिय है। यहाँ अभिनय की कल्पना इतनी साकार हो उठती है कि हमें पात्र सचमुच ही मनुष्य की शक्ति से कई गुना ऊपर लगने लगता है। पुराने जमाने में मंदिरों से प्रदर्शन का आमंत्रण मिलता था, अब तो एक दो परिवारों को छोड़ वो भी नहीं रहा। मंदिर आज भी सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु हैं, लेकिन यहाँ की क्रियात्मक परंपराएं बदलती रही हैं।
कोडियट्टम के लोकप्रियता खोने का कारण शायद ये भी हो सकता है कि कई बार नृत्य प्रदर्शन लगातार कई दिनों तक समाप्त नहीं होते। आज के दर्शक के पास ना तो इतना समय है और न ही धैर्य कि वो इस कला के अभिनय सौंदर्य को समझे। दूसरी बात यह भी है कि प्रथा, विषय और प्रदर्शन के नियम से आज का दर्शक परिचित नहीं है और शायद इसीलिए आज कोडियट्टम की लोकप्रियता विलीन होती जा रही है।